क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की नई मूवी आ रही है, उसका नाम है जवान, एंड वो थिएटर्स में नेक्स्ट वीक आने वाली है। आज उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, इनफैक्ट एक घंटे पहले, एंड मैंने जस्ट अभी वो ट्रेलर देखा एंड मैं कंफ्यूज हो गया यार कि कितने सारे शाहरुख खान है उसके अंदर, इतने सारे उसने भेष बदले हुए हैं, इतने सारे डिस्गाइज लिए हुए हैं, अलग अलग रूप में आ रहा है, एंड एक तो इतना सारा CGI किया हुआ है। मुझे बहुत पसंद है शाहरुख खान, आई लव हिम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, बट एक चीज़ अजीब लग रही है कि यार उसने हर एक हीरोइन के साथ काम किया है, सारी की सारी जवान बिल्कुल। तो आई थिंक मूवी का नाम इसलिए जवान है बिकॉज सारी हीरोइनें जवान है, एंड आई थिंक जितने ज़्यादा उसने रूप लिए हुए हैं उतनी ज़्यादा उसने हीरोइनें भी ली हुई हैं, एंड SRK के फेस पे इतना CGI किया हुआ है ताकि वो जवान लगे, तो शायद इसलिए भी मूवी का नाम है जवान। वैसे मैं ट्रेलर से बिल्कुल समझ नहीं पाया कि यार मूवी एग्जैक्टली है किस बारे में, मतलब इतना तो पता है कि यार हाँ देश प्रेम के बारे में एंड देश के जवानों के बारे में, जवान एज इन सोल्जर, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा ट्रेलर से कि मूवी में होगा क्या। पहले सीन में शाहरुख खान ने काफ़ी लोगों को हॉस्टेज लिया हुआ है, एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में बोल रहे हैं कि यार सब उसके फैंस हैं एंड सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल अलग ही सीन आ जाता है एंड उसके अंदर फिर जवान हो जाता शाहरुख खान, फिर बुढ़ा हो जाता शाहरुख खान, एंड फिर पता नहीं अलग रोल ले लेता शाहरुख खान, फिर दीपिका पादुकोण के साथ आ जाता है, फिर किसी और के साथ आ जाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। शाहरुख खान की लास्ट मूवी थी पठान, एंड उसका ट्रेलर भी थोड़ा बहुत ऐसे ही था विद अ लॉट ऑफ CGI, एंड मूवी देख के मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था, तो जवान से भी मुझे नहीं लग रहा मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ, शायद मैं मूवी देख लूँ। आपको क्या लगता है दोस्तों, कैसी होने वाली है मूवी? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। क्या आप ये मूवी देखने जाओगे हॉल पे?